आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य का लास्ट लेक्चर है, ध्यान रखेंगे लास्ट टॉपिक है। इसके पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन इन आर्गेनिज्म पढ़ा दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ा दिया, लाइफ स्टेप एडजस्टमेंट कंप्लीट होने वाला है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अगला लेक्चर। तो इसमें आज देखिए रिप्रोडक्टिव जनन स्वास्थ्य का लास्ट लेक्चर है। अब देखेंगे इसमें जनन स्वास्थ्य में एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी डिजीज आज पढ़ना हम लोगों को। क्या एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अर्थात परिभाषा क्या, डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ओ आर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। मतलब ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्स के दौरान या सेक्स से फैलता है उसको क्या कहते हैं, एसटीडी और वेनेरल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एसटीडी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। यानी डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअली कॉन्टेक्ट कॉल्ड एसटीडी डिजीज, ठीक। इसी कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं इस बीमारी का नाम, आरटीआई का नाम जानते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो किस, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा तो फैलता है, एक आदमी दूसरे आदमी जाता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, किस आदमी के द्वारा, एक तो वायरस के द्वारा काज होता है, दूसरा बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है और अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं उसमें एक एड्स है जो सबसे फेमस है, दूसरा हेपेटाइटिस बी है जो ये फेमस है, तीसरा है जेनाइटल हर्प्स है और चौथा जेनाइटल वार्ड्स। ये चार बीमारियाँ जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है लेकिन वायरस के द्वारा फैलते हैं। अब एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्लियर। अब इससे एक किसके द्वारा होता है, इसके उत्पन्न करने वाले काजल एजेंट यानी जो पैथोजन है या इस रोग को उत्पन्न करने वाले हैं वो एचआईवी, इस एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस। क्या नाम है, ह्यूमन इम्यून वायरस नाम है, या इसी को कहते हैं रेट्रो वायरस भी कहते हैं। यानी एड्स जो बीमारी है वो एचआईवी के द्वारा फैलता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस है। और ये किस टेस्ट के द्वारा, जो जांच कर मतलब किस टेस्ट के द्वारा इस बीमारी को पता करते हैं, इसका नाम है एलिसा ELISA, इसका पूरा नाम एंजाइम, ई मतलब एंजाइम, यल लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट एसे, इसी को वेस्टर्न ब्रॉड भी टेस्ट कहते हैं। और इसके लिए जो दवा यूज करते हैं वो एक, इसका कोई अभी इसकी विशेष कोई ड्रग्स नहीं बना है ना तो कोई वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन इसके लिए जो बीमारी जनरल, इस बीमारी के जनरल ड्रग्स यूज करते हैं ATZ यूज करते हैं। सिम्टम्स क्या है, वीक इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बात है हेपेटाइटिस बी, ये 100 times मोर डेंजरस देन एड्स, एड्स से 100 times ये खतरनाक होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, काजल एजेंट हो गया, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। किस पर कौन सा पार्ट इन्फेक्ट करते हैं, लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। इनका इनक्यूबेशन पीरियड 20 से 25 दिन रहता है, अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। थेरेपी में क्या यूज करते हैं, वैक्सीनेशन इसका बना, इसका कोई वैक्सीन नहीं बना एड्स का भी, ठीक। अब आते हैं जेनाइटल हर्ब्स, इसके लिए काजल एजेंट क्या है, हर्ब वायरस है, थेरेपी क्या है, ए साइक्लोवीर यूज करते हैं। क्या करते हैं, ए साइक्लोवीर यूज करते हैं। और जेनाइटल वार्ड्स क्या है, काजल एजेंट जो है पैपिलोमा वायरस, इसके ड्रग्स वगैरह बारे में नहीं दिया है, ठीक। अब आते हैं एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय बैक्टीरिया, इसमें क्लेमाइडियोसिस है, गोनोरिया है और सिफिलिस है, तीन बीमारी का नाम दिया है, क्लियर। क्या दिया, तीन बीमारी का नाम दिया है। क्लेमाइडियोसिस में जो होता है काजल एजेंट जो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, इंक्यूबेशन पीरियड इनका 1 week है, ड्रग्स यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और रिफॉर्मसिन और पेनिसिलिन, ये ड्रग्स यूज करते हैं। अब गोनोरिया में जो है काजल एजेंट क्या है, नाइजीरिया गोनोरियाई है और ड्रग्स यूज करते हैं सिफ्रिट्रिजिन एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन यूज करते हैं। सिफिलिस जो होता है काजल एजेंट क्या है, ट्रिपैनोमा पॉलीडियम है और इंक्यूबेशन पीरियड 3 weeks होता है और ड्रग्स यूज करते हैं पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, क्लियर। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी के आधार, क्लियर।